वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर पूरा देश लॉकडाउन है। इस दौरान पुलिस प्रशासन के अधिकारियों द्वारा लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें और सोशल डिस्टेंस का पालन करें ताकि कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके। सहरसा जिले में भी पुलिस के आला अधिकारी से लेकर तमाम पुलिसकर्मी शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर दिन रात अनवरत ड्यूटी कर रहे हैं ताकि बाजार में अनावश्यक लोग ना निकलें और भीड़ भाड़ न लगे। इस दौरान ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों को स्थानीय लोगों का भी काफी सहयोग मिल रहा है। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर छोटे छोटे बच्चे ऐसे पुलिसकर्मियों पर फूल बरसा रहे, उनको सम्मानित करते दिख रहे हैं। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा अनवरत ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों के बीच फल बांटे जा रहे हैं। इन सबके बीच सोशल डिस्टेंस का भी काफी ख्याल रखा जा रहा है। सहरसा से अमन कुमार की रिपोर्ट, न्यूज फॉर इंडिया। ये सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं और जरूरतमंद लोगों को लॉकडाउन में ये वितरित करते हैं। उसी में ये शंकर चौक पर जो पुलिसकर्मी ड्यूटी में हैं, अनवरत जो ड्यूटी दे रहे हैं सुबह से शाम तक, उन लोगों के बीच ये वितरित किया गया है। आप लोग क्या अभी वितरण किए? महामारी में जो हमारे देश में अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसमें हमारे पुलिस प्रशासन के जवान भूखे प्यासे इस कड़ी धूप में खड़े रहते हैं हमारे जनताओं के लिए। इसलिए हम लोगों ने पुलिस प्रशासन के लिए कुछ फल का वितरण किया है। फल का वितरण किया और अभी जितने जवान हमारे ड्यूटी में हैं हर एक चौक पर हर एक चौराहे पर हम लोग सब जगह जाके फल का वितरण कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम नितेश कुमार हुआ। पिता का नाम? रामेश्वर यादव। घर? सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।